तो सुन, 2 या 3 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो आपको सामने दिख रही है कि अब आप फेसबुक से बहुत ही जल्द अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके अर्निंग कर लेंगे। और मैंने कहा था कि आप अगर आपके पास पेज है तो आप पेज पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द आप भी पैसे अर्निंग कर सको फेसबुक से। और मैंने कहा भी था कि बहुत ही जल्द ये सिस्टम आने वाला है जब वीडियो पे आप एड्स लगा पाओगे, मोनेटाइज कर पाओगे अपने फेसबुक वीडियो को और काफ़ी अच्छा अर्निंग कर पाओगे। तो जिन लोगों ने काम किया होगा वो अब बहुत ही अच्छे समय में समझ लो आ चुके हैं और वो अब से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और एक और चीज़ बात करेंगे कि फेसबुक जरूर अच्छा है या YouTube, दोनों वीडियो के लिए क्या कौन सा प्लेटफॉर्म कितना बेटर है वो भी हम थोड़ा कंपेयर करके दोनों को आसपास रख के बात करेंगे। और गाइस, मैं दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा पेज एलिजिबल है इसके लिए कि आप अपने पेज को मोनेटाइज करा सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारी डिटेल मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फटाफट मैं आपको बताऊंगा, ये जो चीज़ देखो, यहाँ मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं लेकिन मैं आपको एक अपना ये पेज दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक आध दो और पेज दिखा देता हूँ। तो ये जो पेज है मेरा जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्रिकेट IPL 2018, जो अभी 2-3 महीने पहले 2-3-4 महीने पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था और यहाँ अभी मेरे पास काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके पेज में जो अगर आपको एलिजिबल होना है इस क्राइटेरिया में कि अगर आपके जो वीडियोस हैं उन पे आपको मोनेटाइजेशन चाहिए, आपको उसमें एड्स लगाना है, तो जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि दोस्त, आपका जो फॉलोअर है वो कम से कम 10,000 होना चाहिए। तो पहला तो अपन पास कर चुके हैं, 10,000 हो चुका है। जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन दूसरा आपको बता दूँ, आपका जो वीडियो है उस पर 30,000 घंटे पूरे होने चाहिए। अब इसके बारे में और चीज़ें बात करने वाला हूँ मैं, लेकिन उससे पहले अपन नीचे चलते हैं और नीचे जो क्या है, आप का जो पेज है क्या उस पर मोनेटाइजेशन हो सकता है। तो हाँ भाई, हमारे पेज पे मोनेटाइजेशन हो सकता है। तो तीसरा भी जो है वो अपना राइट क्लिक है। और जो चौथा सबसे मेन जो चीज़ है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है, जो है कंट्री आपकी अवेलेबल है या नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए, फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए गाइस, ठीक है। तो ये पहले नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है, जो आपको सामने दिख रहा है कंट्री अवेलेबल है, तो उस पर भी अपना ग्रीन टिक हो चुका है, ठीक है। तो अब ये चार चीज़ों में से 3 चीज़ अपने ओके है, लेकिन जो मैंने कहा जो एक बहुत ही मेन चीज़ है कि 30,000 घंटे, ठीक है, यहाँ से मैं वो फेसबुक को का जो मोनेटाइजेशन है उसको और जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन है उसको दोनों को कंपेयर करना चाहूँगा, ठीक है, और आपको बताऊँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है। तो फेसबुक वर्सेस यूट्यूब मोनेटाइजेशन, विच इज बेटर, ओके, कौन सा बेटर है। तो इन लोगों ने क्या कहा है, फेसबुक वालों ने, अगर आपको अपने वीडियो को मोनेटाइज कराना है तो आपका जो वीडियो है वो 60 दिन के अंदर, मतलब 60 दिन के लास्ट जो 60 दिन है ना, उनके अंदर कम से कम 30,000 घंटे का वॉच टाइम आना चाहिए। गाइस, मैंने पहले एक बात कही थी, आपको याद होगा इसी वीडियो में, कि यूट्यूब के पास जितना ट्रैफिक है उससे कई गुना ज़्यादा ट्रैफिक फेसबुक के पास है, और उसका ही वो फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ कह रहा है कि उसको 60 दिन में 30,000 घंटे, 30,000 मिनट, ठीक है, 30,000 मिनट, 30,000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए लास्ट 60 डेज में, ठीक है। और वहीं यूट्यूब क्या कहता है, यूट्यूब कहता है कि उसको 40,000 घंटे, 40,000 मिनट, ठीक है, कि 40,000 मिनट का वॉच टाइम उसको लास्ट 1 ईयर में चाहिए। यहाँ आपको 60 दिन और वहाँ आपको 1 साल। तो ये मुझे लगता है कि YouTube इससे ज़्यादा इजी होने वाला है, अगर अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी है तो आप Facebook पे इसको अचीव करने में बिल्कुल लेट नहीं लगाओगे, क्योंकि मुझे पता है Facebook की पावर क्या है और आप Facebook से कैसे इसको बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मतलब ऊपर ऊपर अगर कंपेयर करा जाए तो यहाँ आपको एक समय के लिए लगेगा कि फेसबुक मार खा रहा है यूट्यूब से, और अगर अंदर डीप जाके अगर हम कवर करते हैं तो मार खाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखते हैं तो एक मार खाने वाली बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो भी वीडियो होनी चाहिए वो 3 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए या 3 मिनट की होनी चाहिए, और अगर उसमें व्यू आता है तो उसमें व्यू जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए, याद रखना, व्यू जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आपका जो
व्यू उस पे आएगा तभी उसको काउंट किया जाएगा। तो ये जो दो चीज मैंने बताई है लास्ट में, इसको आपको जरूर देखना है। और YouTube गाइज अच्छे पैसे देता है, और Facebook का अभी पैसे का कोई वो नहीं है कि कितना पैसा क्या देने वाला है, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। आप जो है अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये अपने Facebook के ऊपर, यहाँ आप चार लैंग्वेजेस में वीडियो बना सकते हैं, हिंदी है, मलयालम है, और अपना आई थिंक दो लैंग्वेज और है, आई थिंक मराठी और एक और कुछ है। तो ये चार लैंग्वेज पे आप बना सकते हो अपने फेसबुक पे, लेकिन यूट्यूब में आप किसी भी लैंग्वेज पे वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। तो मैं मतलब मोटा मोटा यही कहना चाहूंगा कि अभी यूट्यूब जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। मतलब चलना तो है ही उसको, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो यूट्यूब पे काम करो, और साइड बाय साइड फेसबुक को सेट करना स्टार्ट कर दो। अगर जिन लोगों ने 2-3 महीने पहले अपना स्टार्ट कर दिया होगा, वो अभी इस समय काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे और काफ़ी अच्छा अर्निंग करेंगे, ये तो है। क्योंकि यूट्यूब के पास जितना ट्राफिक है उससे कई गुना ट्राफिक फेसबुक के पास है गाइज, और फेसबुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और अब दूसरा एक पेज है मेरा, जो अपना पेज है तौहीद अहमद का, उसमें दिखा दूं, यहाँ भी 10,000 फॉलोअर नहीं है अपने पास, ठीक है, वॉच मिनट भी नहीं है, लेकिन दो चीज अपना अवेलेबल है। तो यही कुछ है गाइस चीजें, और भी मेरे बहुत सारे पेजेस हैं दिखाने को, तो लेकिन मैं ये दो चीज आपको दिखा देता हूँ। एक पेज मेरा, हर पेज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चीज यही है कि मेरा जो वॉच टाइम है, वीडियो पे मैं ध्यान नहीं देता था, तो मेरा वीडियो का जो है वो बस नहीं है, और कई सारे जो मेरे पेजेस हैं उनके में फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो फॉलोअर्स का जो नीड है वो मैं फुलफिल कर दिया हूँ, और जो अपना मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी है वो भी मेरा फुलफिल है, कंट्री तो अपना फुलफिल हो ही चुका है, बस अब ये एक वीडियो का है, उसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटजीज तैयार करता हूँ और लेके आता हूँ आपके लिए वीडियो के लिए वीडियो का, ताकि आप भी ऐसा कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और लोगों को जरूर बताओ कि अब वो फेसबुक से काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं, और प्लीज प्लीज जाओ अब काम करना स्टार्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और कोई भी क्वेश्चन है तो ये आपके भाई का पेज यहाँ पर है, यहाँ आके आप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा हेल्प करूंगा मैं जो हेल्प हो सकता है, ठीक है। अब ये मत बोलना आगे कि मैं आके सेट कर दूं आपका फेसबुक पेज, अब ये मत बोलना कि मैं आपका मोनेटाइजेशन आके ऑन कर दूं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ दोस्त कि ऐसे ऐसे करना है। अब मैं सोचो एक एक लोगों को ऑन करने लगूं तो कितने सारे लोगों को मुझे ऑन करना पड़ेगा। सो प्लीज गाइज समझो बात को, और सिर्फ आके क्वेश्चन किया करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आप भी काफी अच्छा खासा गेन कर सको। जो अभी भी स्टार्ट किए वो वीडियो पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा अभी शुरू शुरू में मिलेगा पैसा, ये तो गारंटी है। जैसे कि यूट्यूब ने किया था वैसे ही फेसबुक करेगा, क्योंकि फेसबुक को पूरा अपना ट्रैफिक यहाँ लेके आना है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाबा जय हिंद, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।